हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। तो ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में एक कप पोहा ले लूँगी। अब इस पोहे को अच्छे से पानी से दो तीन बार वॉश कर देंगे, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए और ये पोहा फूल भी जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कप सूजी। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता बिना इनो के बन जाएगा। इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है और आप इसे झटपट से बना के रेडी कर सकते हो। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, 5 मिनट बाद मैंने इसे देखा तो सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे अपने मन पसंदीदा वेजिटेबल्स। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल्स हों जैसे गाजर, तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। हमने इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डाली हैं तो ये बहुत हेल्दी भी है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं और नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सब्जियां सारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इससे बेकिंग सोडा को स्किप कर दीजिए। बेकिंग सोडा के बिना भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। इसमें डालेंगे राई, सफ़ेद तिल और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे ये राई और जो तिल डाला है वो अच्छे से स्प्लैटर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने डाला है हरी धनिया। मैंने हरी धनिया सुखा के रख ली थी तो मैंने वो डाल दी। अगर आपके पास फ्रेश हरी धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। बैटर को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने इसे बहुत पतला पतला नहीं स्प्रेड किया है, थोड़ा सा थिक स्प्रेड किया है। आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई यूज़ करी है। अब हम इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। इसे बस लगभग 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। और ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और ये एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है। इसे एक बार फ्लिप करके चेक कर लेते हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं दूसरी साइड से कितने अच्छे से पक गया है। कितना अच्छा सा क्रिस्पी लेयर सा फॉर्म हो गया है, ब्राउन एंड गोल्डन कलर का। इसी तरह से हम इसे फ्लिप करके दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे और ये हमारा नाश्ता पक्के रेडी हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरा भी बैटर डाल दिया था पकने के लिए, वो भी पक गया है एक साइड से। इसे भी मैं फ्लिप करके दूसरी साइड से पका लूँगी। इसमें किनारे किनारे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है। 2 से 3 मिनट में ये आराम से पक जाता है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए। और ये देखिए, हमारा पोहा सूजी का नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर कोई भी चटनी या केचप के साथ सर्व करिए। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही फ्लफ़ी सा टेक्सचर है। कम समय में और कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।